हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है दीपा नेगी और आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल दीपा नेगी ब्लॉग में। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। मेरे गांव का नाम है सारकणा, जहाँ से मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो अभी टाइम हो रही है 4:30 बजे। हाँ, तो अभी हमने ना भैंस को भी निकाल दी है बाहर। ही देखिए कहाँ पर हमारे भैंस था। और हमारे एक देवर जी, देखो भूपी देवर जी, यहाँ पर भर रहा है पानी बॉटल में। तो अब ये ना अपनी बेटी को ले जा रहा है कुलमारा छोड़ने के लिए। आजकल लोग गांव आ रखे हैं। तेरे को फिर से हमारी दिल्ली वाली सास भी आ चुकी है। चलो वाली चलते हैं आप कुलमारा। और हमारी सास की एक खैसियत है कि वो अपना पर्स, ये पर्स तो मेरा चलते रहता है, कंधे ही में रहता है। इसमें क्या है, फोन फान है ना? हाँ, इसमें फोन रहता है ना मेरा। अच्छा, टक्कर टुक्का भी कुछ रखे? नहीं, टक्कर टुक्का कुछ नहीं है, खत्म हो गए। तो ये जा रही कुलमारा अपनी नातनी को लेके। 3-4 दिन से यहीं पर थी, तो अभी जा रहे आज वाल कुलमारा जा रही दूसरी देवरानी के घर। देखो इनको गर्मी हो गई, अब पहाड़ों का ठंडा ठंडा पानी का आनंद ले रहे हैं भाई। है चल, आजा आजा आजा, क्या करे, ठंडा नहीं है उसमें, इसी में तो भरा पानी। तो गदेरा को तो छू गदरा को छे। हाँ, तो छू जोड़ी पोर बटी। ओ ठीक है, तो जाओ तो बाय बाय। आप कब दिन में हो तुम? चल आप आऊँगी 1-2 दिन में, तब करेंगे हम। अच्छा, तब तक सासू जी घर ही में है, तब ब्लॉग में भी निकालेंगे और फिर आप ही वीडियो देखेंगे दिल्ली जाके। ये वीडियो बना रहे ना। तो जाओ तो बाय 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 बाय। तो ये है हमारी क्या है? बोल जल्दी बोल, क्या बोल मेरे को? क्या तू क्या बोलेगी मेरे को? क्या ताई जी, ये हमारी बिटिया किट्टू, किट्टू मारा रही। तो ये हमारी देवर देवर की लड़की है भाई। ये इसके दांत, इसके दांत चूही ने खा दिए भाई। देखिए ठीक है भाई, बॉलिंग करने दो। कोई बॉलिंग नहीं है भाई, बैटिंग है मेरी टर्न। अंदर ही चल, मेरी टर्न है, अंदर ही चल रही है तेरी बैटिंग। अंदर कहाँ? पहले छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी मैं। गाइस इन्होंने ना क्रिकेट मैच यहाँ अंदर ही खेल रहे हैं भाई। ये देखिए अंदर ही बना रखा है इन्होंने मैदान, इतने बड़े बड़े। चलो भाई बाहर पे खेलो, बाहर पे। पापा किट्टू किट्टू का मन नहीं कर रहा है भाई यहाँ से जाने का। यहाँ पर उसको है बच्चे साथ में खेलने के लिए, इसलिए वो जा नहीं रही। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा धुआं भी आ रहा है भाई। इधर भैंस के लिए मच्छर भगाने के लिए धुआं लगा रखा है। तो दोनों डॉगी भी हैं यहाँ पर, चैन की भी है यहाँ पर, इतने सारे बच्चे भी हैं यहाँ पर। ये एक बच्चा ये भी है भाई। तो और किट्टू का मन नहीं कर रहा जाने का, है ना किट्टू? बहुत देर के लिए जाना फिर आना है। हाँ वहीं रहना, आज आज वहीं रहना है बोल। हाँ जल्दी आ, चल आजा बेटा आजा। हम भी तो आ रहे हैं वहाँ, हम भी आ रहे बेटा ना। भैया और सब आ रहे, सब लोग आ रहे, वो भी तो आएगा अपना घर। वो कुत्ता मच्छर के मारा ही नहीं आ रहा था। तो भी दोस्तों मैं जा रही हूँ खड़ी काटने के लिए, यहीं ऊपर घर ही के ऊपर। पेड़ में तो नहीं चढ़ पा रही हूँ मैं, परंतु देखती कोशिश करती हूँ भाई। और ऊपर वालों के ना कुत्ते भी भूख रहे हैं भाई, भूख भूख करके। तो अभी देखती हूँ भाई, प्रैक्टिस करके खड़ी। अभी दोस्तों मैंने खड़ी काट दिया और यहाँ पर मैंने ना भारी भी लगा दी है। अब ये वाला पेड़ काटा भाई मैंने, देखे ऊपर, अब पूरे पेड़ में नहीं चढ़ पाई मैं, आधा ही काटा मैंने। मेरी ना बीपी लो होती है, पता नहीं क्या होता है, जैसे मैं पेड़ों में चढ़ती हूँ ऐसे मेरे पाँव में ना मतलब पानी सा आने लगता है पाँव की छतों पर, नहीं चढ़ पाती मैं ऊपर। पहले मैं सारे पेड़ मैंने ही काटे, जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं सारे काट रखे मैंने, लेकिन अब मुझे पता नहीं घबराहट होती है, नहीं जा पाती मैं। तो मैंने थोड़ा सा काटा 5-6 मुट्ठी, तो भी मैं ना चलती हूँ घर और अभी आपको मिलते हैं घर में। ये गाइस ये हमारे बच्चे रात पड़ चुकी है और अब आ रहे हैं पानी लेने के लिए। ये है सोनिया, आगे है प्रिया और पीछे ये है अंजलि, बाकी मोनी तो सभी जानते हैं मोनी को, और आगे इनकी ताई जी, और ये है हमारा आयुष बेटा। और शुभम भी आ चुका भाई पीछे से। और यहाँ पर है दारे का ठंडा ठंडा नेचुरल पानी। अरे मेरी बड़ी जिठानी जी यानी कि प्रिय की मम्मी, अरे देखो मुंह छुपा रही है भाई ये, इनको ज़्यादा नहीं निकालूंगी मैं। चलो चक्की, अच्छा
ग्राट अब मोनी के भी लगे अब खुद चले जी ये लोग जा रहे हैं अब घर पानी लेके और ये ना दूसरे वाले घर में रहते हैं और हम इधर रहते हैं शुभम और मोनी और मैं। अरे मेरी बड़ी वाली बेटी सोनिया और सोनिया भी ना ब्लॉग में आने को शर्माती है भाई। तो चलिए दोस्तों मैं भी अब ना भैंस को अंदर बांधती हूँ और इसे निकालूंगी दूध गरेज से पानी लाने के बाद। और आजकल ना गर्मियों में सब आ रखे हैं घर, यानी कि बल घर वाली भाषण बोलते हैं आगे हो जाली बल्फ आगे हो जाली और गोल पड़ते तो सुकून तो पहाड़ों में ही मिलता है ना सुबह में। ढंग से बोलना ऐसे बोल, सुकून तो पहाड़ों में मिलता है, शुभम का तो मन यही लगता है भाई है ना शुभम। शुभम कब जाने का मन नहीं करता है देखिए है ना शुभम। अच्छा हाँ। लगता है ना प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना इतनी जैसे कि हमने तो एसी बोलते हैं एसी हाँ। एसी का सिर्फ नाम सुना है देखा नहीं, उससे भी ज़्यादा आनंद ठंडा है भाई यहाँ। जैसे कूलर की हवा आते वैसी आ रही है यहाँ ठंडी ठंडी गदेरे की हवा। अरे आगे पागल एक हेडिम्बा हो रहा है चल भाई। तो चलिए मैं भैंस से दूध निकाल देती हूँ अब। तो अभी दोस्तों शाम की बच्ची के साथ हम आए हैं अपने मंदिर में माता रानी के, यहाँ पर हम ना धूप बत्ती जला देते हैं रोज शाम को रोज की तरह। अरे यहाँ पर शुभम भी और मोनी भी बजा रही घंटी, जय श्री कृष्णा हर हर महादेव हर हर महादेव। तो आपको मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता रानी की।